श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा जो शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन एवं प्रसार हेतु कृत संकल्पित एक स्वैच्छिक संस्था है। अपना छठा वार्षिक उत्सव वर्तमान में सामाजिक चुनौती कारण का निदान विषय पर आधारित एक विचार संगोष्ठी के माध्यम से 2 सितंबर को दरभंगा के DMCH ऑडिटोरियम में मनाने जा रहा है। श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा की ओर से 6वां वार्षिक सेमिनार हम लोग डॉक्टर HN यादव ऑडिटोरियम DMCH दरभंगा में होने जा रहा है। उसी के तहत हम लोग का ये कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के लिए हम लोग आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उस कार्यक्रम में बिहार BRA अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री अमरेंद्र डॉक्टर प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण यादव उसके उद्घाटन करता होंगे, श्री अनिल चमारिया जी उसके मुख्य अतिथि होंगे और डॉक्टर प्रोफेसर नंद किशोर यादव इंदु वो झारखंड विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं वो उसके अध्यक्षता करेंगे। उसके साथ वहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर हर्ष नारायण झा DMCH वो विशिष्ट अतिथि होंगे, डॉक्टर लालजी चौधरी विशिष्ट अतिथि होंगे विभागाध्यक्ष हड्डी विभाग, डॉक्टर अजीत चौधरी विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग उसके अतिथि हैं, डॉक्टर प्रोफेसर रमेश यादव प्राचार्य MK कॉलेज लहरिया सराय दरभंगा उसके मुख्य अतिथि होंगे। उसके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी जी, बैजंती खेड़िया जी, प्रोफेसर विजय कुमार यादव जी जो विभाग ये मिथिला यूनिवर्सिटी के ये अभी प्रोफेसर भी हैं और वहाँ स्टेट ऑफिसर भी हैं, और विषय वस्तु विशेषज्ञ होंगे श्री वीरेंद्र यादव जो बड़े भारी समालोचक हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं। यही हम लोग का कार्यक्रम है। और अरुण कुमार गुप्ता जी हैं वो एक अर्जक संघ के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी उसमें हमारे विशिष्ट अतिथि में से ये विषय वस्तु विशेषज्ञ में से वो रहेंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे जिले का प्रयास है कि हम आज क्या जो विषय है वर्तमान सामाजिक चुनौतियाँ कारण और निदान, आज के वर्तमान चुनौतियाँ समाज की क्या है। हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं शिक्षा का अभाव। 70 साल होने के बाद भी सरकार के कारण समाज के जो हर बच्चा है वो शिक्षित नहीं हो पाया है, और ख़ास करके जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बच्चे पर कोई ध्यान न गार्जियन का है न सरकार का है। इसके लिए तो सरकार के साथ साथ गार्जियन भी कमदोषी नहीं है। उसके अलावा है हमारे कारण कि सामाजिक कारण क्या है। सामाजिक बंधन इतने ज़्यादा हमारे समाज में व्याप्त है कि वो हम उससे उभर नहीं पाते हैं। हमको क्या करना चाहिए, हमको स्कूल भेजना चाहिए कि हरिभजन करना चाहिए, ये मंत्र ही नहीं समझ पाते हैं। और नतीजा यही है, बहुत समय हमारे पास मिल जा रहा है कि हम जाते हैं झाल बजाने के लिए और 9-9 दिन तक नवाह करते रहते हैं, हम स्कूल के तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। हम यहाँ से दंड बैठकी करते हुए देवघर जाते हैं, वो अश्रद्धा समझ के जाते हैं, हम अपने बच्चे को अपने परिवार को नहीं देखते हैं। हम श्राद्ध करते हैं, हम भोज करते हैं, लाख लाख रुपया खर्चा करते हैं, अपना घर नहीं बनाते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, और ये कारण है समाज के विकसित नहीं होने से देश का विकसित विकास जो है रुका हुआ है। ऐसी परिस्थिति के लिए ये संगठन दरभंगा जिला के 18 प्रखंड में से 13 प्रखंड में सशक्त संगठन के रूप में संघर्ष कर रहा है, जिससे समाज की मुक्ति कैसे मिलेगी, अंधविश्वास से, ढोंग से, पाखंड से कैसे छुटकारा मिलेगा, इसी से इस संगठन का मुख्य कार्यक्रम है। और इसका आयोजन हर साल लगातार 6वां साल यह संस्था श्री कृष्ण चेतना मंच यहाँ कर रहा है, और इस कार्यक्रम को के लिए हम सब लोग तत्पर हैं, हम लोग लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से ये सब लोग को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप आओ, आप समझो, आप जानो, और जान करके ये समाज को बदलने में थोड़ा सा सहयोग करो। और यही हम लोग क्या नाम हुआ है, उमेश राय मेरा नाम हुआ।